बंधन। आज हम कक्षा नौवीं, कक्षा दसवीं, नवम कक्षाया और दशम कक्षा के अंतर्गत जो व्याकरण है उसमें जो आप लोगों के उसमें पत्र लेखन आते हैं, निबंध हैं, तो आज कुछ पत्र लेखन और कुछ निबंधों को यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आप सभी जो पत्र लेखन और निबंधों को लिख कर आप लोगों को याद करना। चलिए आइए पढ़ते हैं पत्र लेखन। जैसे कि आप देख रहे हैं पत्र लेखन, सबसे पहला जो पत्र लेखन है वह है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये आपको संस्कृत में ही पूरा लिखना होगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत एक एक शब्द को लिख करके आप परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। जैसे यहाँ दिया है सेवायाम श्रीमंत प्रधानचार महोदया राजदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल नगरम मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, विषय है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। आप किस चीज के लिए, अवकाशार्थम के लिए, अवकाश के लिए। यहाँ आएगा महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम् अद्य सहसा ज्वर पीड़िता, ज्वर माने बुखार आपको आ गया, अस्मि अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्था अस्मि, कृपया मम पंच दिवसा नाम 5 दिन का, यानी पंच दिनांक से 9 दिनांक पर्यंतम अवकाशम स्वी कुर्वन्तु, यानी आप स्वीकार कीजिए इतने दिन 5 दिनांक से 9 दिनांक तक जो शाला में नहीं आ पाऊंगी, ठीक है, तो आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। भवदीय शिष्या सार्थक भारत या जो भी आप उसमें नाम लिखें, फिर कक्षा जो है आपकी नवमी आ, तो नवमी दसवीं जो भी आपका जो क्लास हो आपको उसमें लिखना है, और यहाँ पर आप क्या डालेंगे, दिनांक जिस दिन आप उसको दे रहे हैं। दूसरा है शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। आप इसमें क्या करना है, शुल्क जो लगता है शाला शुल्क उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रचार महोदय, ये भी आप इसको लिख रहे हैं प्रचार महोदय को, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, जबलपुर नगर मध्य प्रदेश। क्या आएगा महोदय सविनयम निवेदयामि यत् अहम भवताम विद्यालय दश कक्षायाम अध्ययन अध्ययन करोतस्मि, मम पिता एकस्मिन् कार्यालये सामान्य लिपिको अस्ति, धनाभावात् सर्व विद्यालय शुल्कं दातुं समर्थः नास्ति, अतः भवन्तः महां शुल्क मुक्तिं शुल्क स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थयति। इसमें ये बताया है कि मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ सविनय, कि मैं कक्षा दसवीं अध्ययनरत हूँ, मैं छात्र हूँ कक्षा दसवीं का, मेरे जो पिता है वह एक कार्यालय में लिपिक है और धन अभाव होने के कारण हम विद्यालय शुल्क नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप मेरा मतलब जो शुल्क है उसको मतलब मुक्त कर दीजिए, नहीं दीजिए, और शुल्क मुक्ति की जो मतलब मैंने पत्र लिखा है उसकी आप स्वीकार कीजिए और मेरा शुल्क माफ कर दीजिए। भवदीय शिष्य अथर्व कुमार। अब इस प्रकार से नौवीं बार आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो भी नाम है, जो कक्षा है और जिस दिनांक को आप दे रहे हैं वहां पर वो दिनांक मतलब जो तारीख है वो आएगी, और आपका जो नाम है या जो क्लास है वो यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रतिष्ठायां माननीय प्रधानाचार्य महोदय, ये भी प्रधानाचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंडनगर मध्य प्रदेश। विषय क्या आएगा, छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र। क्या आएगा महोदया सविनय निवेदयामि यत् मम जनकस्य आर्थिक स्थिति संभव नास्ति, असहमं शिक्षार्थं प्रतिमासं शुल्कं दातुं असमर्थ, मैं प्रतिमास का जो शुल्क है, मेरी आर्थिक स्थिति मेरे जो माता पिता उनकी अच्छी नहीं है और मेरी जो प्रतिमास की जो शुल्क मतलब मैं दे रहा हूँ उसमें मैं असमर्थ हूँ, अतः श्रीमंता महान छात्रवृत्ति दातुं इति प्रार्थयति।
मुझे छात्रवृत्ति आकाशी मेहता महान छात्रवृत्ति प्राप्त मुझे छात्रवृत्ति देने की यहाँ भी देखिए जो जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं भगतान प्रपाकांक्षी कौशल शर्मा या जो भी छात्र है तो अपना नाम है जो छात्र है वो भी लिख सकते हैं कक्षा आप जरूर लिखेंगे नवी सा वर्ग या बा वर्ग एक वर्ग जो भी आपकी कक्षा हो वो यहाँ पर आपको लिखना इसके बाद है स्वभगनी स्वभगन्या विवाहे आमंत्रित अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र जैसे यहाँ दिया है 168 महावीर नगर वाले वहाँ का पता दिनांक जन्म लिखे प्रिय मित्र आर्यन सप्रेम नमः इदं ज्ञात्वा प्रसन्न भविष्यसि आपको जानकारी के शुरू भगवत प्रभा मम भगिन्या तम भगिन्या व्यवहार अस्य मासस्य विशति ताम्या तारिका पृच्छति मेरी भगवान की कृपा से मेरी जो बहन का विवाह है वो 20 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है अहम त्वां सादर आमंत्रित मतलब मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अतः भगवान सपरिवार समागत विवाह उत्सव भाग आप लोग सपरिवार हमारे यहाँ के विवाह उत्सव में भाग मतलब ले या उसको स्वीकार करें और आए कार्यक्रम 20-10 दिया है जो भी आपका जो कार्यक्रम होगा उस समय तो उसमें लिखना पड़ेगा सोमवार से स्वागत सम्मान तिथि भोज होगा और इस तारीख को मंगलवार से तो प्रातः पंच जो भी तारीख है ना पंचवादी में समृद्धा प्रति हम इसके बाद में अपने वहां चली जाएंगे तो भवदीय मित्र सार्थक इस प्रकार से आप ये अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र अब यहाँ से देखिए आता है यहाँ पर निबंध क्या है यहाँ पर निबंध तो ये निबंध दिया हुआ है सबसे पहला है उद्यान मम गृह समीपम एक उद्यानम अस्ति उद्यानस हरितिमा विलोक जना प्रमुदा भवन्ति हमारे घर के सामने एक बहुत अच्छा बगीचा है उद्यान है जहाँ पर सभी मतलब जो उद्यान है बहुत हरी हरी मतलब जो झाड़ पेड़ उनको देख करके सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं अतः बहुव वृक्ष बहुत सारे वृक्ष हैं सारे वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप में स्थापिता संति सारे वृक्ष एक लाइन से पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं वृक्षा रा छाया जन्म मिश्रम वृक्ष की जो छाया है उसमें जो लोग हैं जन है वो सब विश्राम करते हैं तेसु नाना प्रकारी पुष्पाणी फलानी जलिक संति उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प और फल वगैरह सब लगे रहते हैं जहाँ वृक्षा नाम फलानी भक्ष्यंती और जो जल है मतलब जो लोग हैं वहाँ उसके जो वृक्ष के में जो फल होते हैं और वो खाते हैं ते प्रातः काले भ्रमणात् अर्थ आगच्छन्ति और सभी लोग मतलब जब उद्यान में क्या करते हैं घूमने के लिए आते तदा शुद्ध सुवास स्वासित समीर प्रवहन जना नाम आंसी मगति तो जो सुबह की शुद्ध वायु होती है सुबह की शुद्ध आबहवा होती है उससे लोगों के मन क्या होते हैं प्रसन्न होते हैं अत्र आगच्छन्ति स्वास्थ्य लाभ और लोग आकर के अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं ठीक है प्रातः समय वृक्षिणाम अत्यंत आनंदित रहती है प्रातः के समय वहाँ पर जो झाड़ पेड़ों पे जो पक्षी बैठे रहते हैं उनकी जो आवाज होती है उनकी जो ध्वनि होती है वो हमारे मन को बहुत आनंदित करती है उद्यान अस्माकं मनसि और जो उद्यान है वो भी हमारे मन को बहुत ज्यादा आनंद प्रसन्न मतलब कर देता जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब उद्यान में आते हैं तो वो क्या करते हैं खेलते हैं उद्यान नगरा प्रदूषण वारियती तस् शोभा वर्धती है जो कहना चाहिए कि जो हमारे उद्यान है वो है नगर जो प्रदूषण है उससे मतलब थोड़ा सा क्या हमें दूर रहे और तस् शोभा वर्धती है प्रदूषण काम पे कोई वो ना हो तभी हमारे जो उद्यान है वो कैसे रहेंगे बहुत शोभायमान रहेंगे और बहुत स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पर धैनु क्या आएगा धैनु का निबंध है एषा मम धैनु अस्य चत्वारः पदा द्वे शृंगे एकं लांगु च अस्ति जो धैनु है हमारे उसके चार पैर हैं दो सींग हैं एक उसकी पूंछ है धैनु त्राणि
नक्षत्रम दुग्धम ददाति है और मधुर अति मीठा दूध देती है। दोनों बहुत सरल और श्रेष्ठ होती है। अस्य वत्सा वलिवर्धन होती, जो दोनों के बछड़े होते हैं बड़े होकर के बैल बनते हैं, जो कृषि वाला नाम करते हैं उसके कृषि कार्य में काम आते हैं। प्राचीन काल के धनु अश्वमेधम प्राचीन काल से ही हमारे जो देव हुए वह हमारी पूजनी है। जना धेनु गौ माता की कहते जो सभी लोग हैं उनको गौ माता कह करके बुलाते हैं। अश्वमेधम संस्कृत धनु नाम अति महत्व हमारे संस्कृत मतलब संस्कृति में हमारी जो उसमें धेनु का अधिक महत्व है, दान का अधिक महत्व है। अध्यापी वयम धनु नाम सम्मान सभी धनु का बहुत सम्मान करते हैं। धनु वयम विधि भूमि उर्वरा शक्ति स्वधना जायते, जो धनु का जो मतलब जो गोबर है ईंधन उससे मतलब जो है ईंधन के भी काम आता है, जो कंडे वगैरह बनाए जाते हैं गोबर से ना, और वो जो है धनु का जो गोबर है भूमि की उर्वर शक्ति को क्या करता है बहुत उपजाऊ बनाता है। अस्याम दुग्धम पेट का जहाँ परिपुष्ट होती जब धनु का दुग्ध गाय का दुग्ध पीते हैं तो जो लोग होते हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं। और बाल्यकाल के मनुष्य अस्या दुग्धम प्रति एव आश्रित मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो सभी दुग्ध पे ही आश्रित होते हैं। अस्या दुग्धम अति उपयोगी, जो गाय का दूध होता है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। धैनो दुग्धन दही तक्रम उससे धैनु का के दूध से दही मठा मक्खन घी सभी मतलब उसका निर्माण किया जाता है। भारतीय संस्कृति और धैनु का महत्व अधिक अस्ति बहुत ज्यादा अधिक है। भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व अति उत्तम चारु विश्व मात्रा, इसलिए कहा भी गया है कि जो गाय है वो विश्व की क्या है सारे विश्व की माता है। इसके बाद आता है दीपावली। क्या है ना दीपावली उत्सव। भारतवर्ष में अनेक उत्सव होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं भारतवर्ष में। तेसु उत्सवेषु दीपावली एक मुख्य धार्मिक उत्सव है, लेकिन इसमें सबसे एक जो मुख्य धार्मिक उत्सव है वह दीपावली। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। मनुष्य ग्रहणारी सुबह अंगनांगों में सभी मनुष्य अपने घर को अपने आंगन को मतलब साफ करते हैं, और जो गृहिणी होती है वो आंगन को मतलब गोबर से लीपती हैं। जो जना मात्र पहले वार्तिका विचा पूना दीपांतर देती है, और बाती से तेल मतलब दियों को भर करके तेल से और बाती से दीप को प्रज्वलन करते हैं। फिर धनदेव देव और देव्या लक्ष्मया लक्ष्मया पूजना कुर्वन्ति, और धन के देवता और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपन नगरम प्रकाशित, जब दीप जलते हैं पूरा नगर जो प्रकाशित हो जाता है। बाला बहु प्रकार स्पोर्ट कई मनोविनोदयंति, जो छोटे छोटे बच्चों के बहुत प्रकार के पटाखे जो है वह फोड़ते हैं। दीपावली समय वाणी जो अपने स्वाद आपड़ा बहुत दिन सजती, और जब दीपावली का समय होता है तो आपने देखा होगा कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो भी अपने अपनी दुकानों को मतलब जो है बहुत सजाते हैं ना बाजार में, तो वो विद्युत दीपिका नाम प्रकाशन आपने निरंतर सुबते, और जो लाइटें होती है मतलब जो विद्युत लाइटें होती है उसकी जो प्रकाश होती है बाजार क्या होता है निरंतर बहुत अच्छा शोभायमान होता है। नाना विधानी वस्तुनी प्रविद्यात प्रसारित प्रसारितानी भवन्ति, और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मतलब विभिन्न लोग खरीदते हैं बेचते हैं। अयम काल नातुष्णौ नाप्य नाप्यतिशीतो भवति तेन मोदन्ते अस्मि महोत्सवे नराम नार्यस्य। अयम मतलब ये जो दीपावली का समय होता है उस समय ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और सभी मतलब इस महोत्सव में भर चढ़ के भाग लेते हैं, चाहे सब प्रसन्न होते हैं चाहे वो नर हो या ना। इसके बाद आता है सदाचार। क्या आता है सदाचार। आचार परम धर्म है आचारस्य महत्व, आचारस्य आचरण। अस्मान भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति, हमारी भारतीय संस्कृति में जो आचरण है वो प्रधान होते हैं। आचार है दुर्विरोधी भ्रमति, एक होता है दुराचार और दूसरा होता सदाचार, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता सदाचार एक होता दुराचार। सताम आचार सदाचार इत्युच्यते, जो अच्छे आचरण होते हैं वही सदाचार कहलाते हैं। सज्जना विद्वान सुचा यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति, जो सज्जन लोग होते हैं वो विद्वानों की मतलब जैसा मतलब रहते हैं उनके वो आचरण करते हैं तो इसीलिए वो सदाचार होते हैं। सज्जना यानी सज्जन होते हैं तो अपनी इंद्रियों को भी मतलब वश में करते हैं, सबके साथ शिष्टतापूर्वक
व्यवहार करते थे। सत्यम सत्य बोलते माता पिता गुरु का नाम ज्येष्ठा नाम चा आदरम कुर्वन्ति तेषाम आज्ञा पालन्ति सत्कर्माणि कृत्वा भवन्ति। वो माता पिता गुरुजन वृद्ध लोगों के बड़े लोगों के सभी का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अपने सब कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। जनस समाज से राष्ट्र चा उन्नति सदाचार स्मृति आवश्यकता भवति। जो जन मतलब समाज के लिए राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार होना उसकी मतलब बहुत आवश्यकता होती है। सदाचार अभ्यास बाल काला देव भवति। ये जो सदाचार अच्छे आचरण ये मतलब बचपन से ही होते हैं। सदाचार में जो बुद्धि वर्धक है नर धार्मिक जो सदाचार होते हैं उनकी अच्छी मतलब अच्छी बुद्धि होती है। धार्मिक होते नर श्रेष्ठ विनीत और बुद्धिमान जो होती है वो बहुत श्रेष्ठ और बुद्धिमान और विनम होते हैं। संसार में सदाचार से महत्व दृश्यते। संसार में भी सदाचार का बहुत महत्व दिखाई देता है या होता है। ये सदाचार न भवन्ति जो सदाचार होते थे एक सर्वत्र वे सभी का मतलब आदर करते। यस्मिन देशे जना सदाचारिणो भवन्ति तस्य सर्वत्र उन्नति। जिस देश के लोग मतलब जो जन है जो सदाचार होते हैं अच्छे आचरण वाले होते हैं उसी देश की मतलब जो उन्नति हमेशा मतलब सर्वदा उसकी उन्नति होती है। अतएव महर्षि भी आचार परम धर्म मतलब आचरण ही परम धर्म है ऐसा कहते हैं। सदाचारी जन पर दा देव सुमातत्व वह पराये मतलब उनको भी अपनी माता के समान समझते हैं। पर पराये धर्म मतलब जो है उस पे मतलब कुछ उस तक उनका ध्यान नहीं होता है। सर्वदेशु चात्मवत् पश्यति और इस प्रकार से और इस प्रकार वह सभी मतलब पराये जो माताएं हैं उनको अपनी अपनी मातृत्व दृष्टि से अपनी माता समझते हैं। पराये मतलब धर्म पे किसी प्रकार का उनका नहीं होता है। सर्वभूतेषु च अपने सभी को वो अपने आत्म मतलब एक समान में देखते हैं। सदाचारी जन से शीलम एवं परम भूषणम अस्ति और जो सदाचारी जन होते हैं वो शील एवं परम भूषण मतलब भूषण में अच्छे आचरण वाले होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर निबंध पत्र लेखन जो पढ़ाए हैं आप लोगों को परीक्षा के लिए तैयार करना। नवम कक्षाया में मैंने जैसे आप लोगों को इसमें निबंध दिए इसमें धेनु का निबंध है और पुस्तकम का निबंध है अस्माकम विद्यालय या उसमें दिया है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और भी निबंध हैं लेकिन आपको जो मैंने पढ़ा है वो भी आप परीक्षाओं के लिए पत्र लेखनों को और निबंधों को तैयार करें। धन्यवाद।